फ्रेंड्स हाउ आर यू, मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा। तो हम पहुंच गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट, जिसका नाम है नेता सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मेरी फ़्लाइट थी 5:15 की स्पाइस जेट, मगर अभी इन लोगों ने 2 घंटा 20 मिनट फ़्लाइट मेरी लेट है। तो 5:15 की जगह पे इन्होंने 7:35 का मुझे बोर्डिंग पास दे दिया है। तो पहले से ही स्पाइस जेट का जो है, पता नहीं कैसी एयरलाइन से, फर्स्ट टाइम मैं स्पाइस जेट से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या क्या है। और इन्हीं ने चेक इन मेरा कर लिया है, बैग वैग ले लिया है और बोला है कि 7:35 पे आपकी फ़्लाइट है। मैंने कहा ठीक है। तो ये चार्ट दिखा रहा है डिले है। स्पाइस जेट की सर्विस तो बहुत बेकार है। अभी 7 मुझे बोर्डिंग कार्ड दे के अंदर भेजा, अभी 9 बता रहे हैं प्लेन आएगा और 9 तक बोल रहे हैं अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वेट करिए। फाइनली 5:10 मेरी फ़्लाइट लेट थी। अभी 10:50 पे स्पाइस जेट ने हमको बोर्डिंग करा दी है और हम उड़ चुके हैं। और इस फ्लाइट की बात करें तो मेरे टिकट में दिया हुआ था लाइट मीट प्रोवाइड, उसके अलावा एयरपोर्ट पे इनकी कोई भी सर्विस अच्छी नहीं है। 3 से ज़्यादा अगर फ़्लाइट लेट होती है तो रिफ़्रेशमेंट मिलता है, इन्होंने मुझे कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं दिया। फ़्लाइट की कंडीशन ये है इनकी, सिर्फ इन्हीं ने पानी दिया है। मैंने बोला खाने के लिए, तो उन्हीं ने बोला नहीं सर आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो मैंने अपना टिकट दिखाया तो वो बोले नहीं सर इसमें नहीं है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि लाइट मीट प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। ये इनका सीट का कवर है। तो ले दे के बाद यहाँ पे ये आती है कि स्पाइस जेट की सर्विस थर्ड क्लास सर्विस है, इससे अच्छा ट्रेन से चला जाए, स्पाइस जेट से ना जाए। क्यों? क्योंकि 5:10 हमारी फ़्लाइट लेट होने के बाद भी इन्होंने कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं दिया, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। और डायरेक्ट बार बार इनका स्टाफ यही बोल रहा था सर अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको फुल रिफ़ंड मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो दोबारा इस एयरलाइंस में कभी मैं ट्रैवल ही नहीं करूँगा। और बहुत घटिया सर्विस है इनकी, सिर्फ पानी की बोतल दी है, खाना पीना कुछ नहीं दिया। और जब मैंने बोला कि मुझे रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो फ़्लाइट में, तो वो बोल रहे हैं आपको ग्राउंड स्टाफ से बोलना चाहिए था, वो आपको प्रोवाइड कराते, फ़्लाइट में आपको ख़रीद के ही खाना पड़ेगा। तो ले देखें, बहुत बेकार सर्विस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।